जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी ड्राइवर एडमिट कार्ड 2023 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, आपका आईटीबीपी ड्राइवर का एडमिट कार्ड आ चुका है पीएसटी का। ये एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है ये आपको बताया जाएगा। और अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से, तो आप मेरे द्वारा भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि ये जो वैकेंसी है वो आपकी 458 पद पर निकली थी, जिसके फॉर्म आपने 26 जुलाई 2023 तक भरे थे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, सब जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे। इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो आपका पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम एंड देन मेरिट। तो ये आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आया है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइए और यहां पर आईटीबीपी ड्राइवर एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड लिंक ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने यहां पर इस तरह का इंटरफेस आ जाए। अब आप यहां पर यूजर ईमेल के अंदर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिए जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी जब आपने फॉर्म को भरा था, फिर यहां पर अपना पासवर्ड डालिए जो कि आपने उस वक्त बनाया था, और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लीजिए। अब गाइस अगर बाय चांस आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे ये भी आप यहां से जान लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको आप अपनी ईमेल आईडी डालनी है, वही वाली जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी। यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, एंड इसके बाद में आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे और उस न्यू पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने उस वक्त क्या सिलेक्ट किया था जब आपने फॉर्म को भरा था, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए, एंड उसका आंसर आपने क्या दिया था वो आंसर भी आप यहां पर देंगे, एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका यहां पर जो पासवर्ड है वो रिसेट हो जाएगा, बट ये तभी होगा जब आपकी यहां पर भरी गई सभी जानकारी सही होगी। अगर इस माध्यम से आप अपने पासवर्ड को फॉरगॉट नहीं कर पा रहे, अपने नया पासवर्ड नहीं बना पा रहे, तो आपके पास एक और विकल्प है अपने पासवर्ड को प्राप्त करने का। कैसे, आप यहां पर मैं आपको एक बार बताता हूं, जहां पर मैंने आपको पासवर्ड रिसेट करने के ऑप्शन बताए, अभी तो मैंने बताया रिसेट पासवर्ड का, सॉरी फॉरगॉट पासवर्ड का, बट अगर आप पासवर्ड रिसेट करना चाहते हैं तो आप यहां पर रिसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अपना फर्स्ट नेम डालिए जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा था, यहां पर अपनी DOB डालिए जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, फिर यहां पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिए, यहां पर एक कैप्चा कोड फिल कीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको ईमेल के माध्यम से आपका एक न्यू पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा और उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप यहां पर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे आपका डैशबोर्ड है, आपको क्या करना है, आपको माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइस आपके सामने जिस पर आपने अप्लाई किया था वो आप देखेंगे। अब आपको यहां पर क्या करना है, डाउनलोड के नीचे जो एडमिट कार्ड है आप देख सकते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर जनरल, तो मैं यहां पर एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूं। तो गाइस यहां पर आप अपना एडमिट कार्ड और ये जो मैंने आईडी बताई है ओरिजिनल को एक आईडी लेकर के जाइएगा। इसके अलावा यहां पर कोई और डॉक्यूमेंट आपको ले जाने के लिए नहीं बोला है। आप यहां पर इंस्ट्रक्शंस अगर देखेंगे तो कहीं पर भी आपको ये नहीं कहा कि आपको कोई अन्य डॉक्यूमेंट लाना है, तो आपको कोई और अन्य डॉक्यूमेंट के लिए नहीं बोला, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा जहां पर आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अभी के लिए आप ये आपका एडमिट कार्ड एंड जो आपका एक आईडी है वो आपको लेकर के जाइएगा, 2-3 दिन का प्रबंध करके चलिएगा ताकि आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। एंड बस ये आपकी मेन जानकारी है। अब आपने जान लिया कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना है। अभी बात करते हैं कि अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे द्वारा कैसे उसको डाउनलोड करा पाएंगे। तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करेंगे। इसमें आपको सबसे लास्ट में आना है, सबसे लास्ट में, और यहां पर कॉन्टैक्ट अस इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहां पर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, आपका फोन नंबर देंगे जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए, एंड मैसेज के अंदर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल
ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड, साथ ही आपको लिखना है आईटीबीपी ड्राइवर एडमिट कार्ड 2023। आपको आईटीबीपी ड्राइवर एडमिट कार्ड 2023 लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि किस चीज़ की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। क्योंकि गाइज मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो अगर आपने डिपार्टमेंट नेम नहीं लिखा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। इसलिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ में आईटीबीपी ड्राइवर एडमिट कार्ड लिखना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। पूरी तरीके से फ्री सेवा रहने वाली है, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है वो आपकी वेस्ट न जाए और आप दिए गए समय पर अपना जो पीएचटी है या फिजिकल है वो अटेंड कर पाए। सो ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।